क्या नहीं, मैं सभी क्या अच्छे लोग हैं। हाँ तो कोई बुरे लोग नहीं, मेरा कहने का मतलब ये तो यहाँ पे जो है ना बात ये, लोग जो शैतान जो गुमराह करता है ना, वो अक्सर अच्छे लोगों के नाम पे गुमराह करता है। इस्माइली जो आप अगर हजरत अली की आप बोल रहे हैं कि हजरत अली पहले इमाम थे, तो आप हजरत अली की जिंदगी आज आपको मिल जाएगी, आप हजरत अली की जिंदगी उठा के देखिए वो किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे। मैं तो यही कहता हूँ अगर बंदे ने कोई भी इस्माइली ने हजरत अली की जिंदगी को अपना लिया ना, तो उसके लिए काफी है इंशाल्लाह। वो जैसा जीते थे, वो जो इबादत करते थे, वो इबादत हमें करना है। वो जो जिस तरीके से दुनिया के अंदर रहते थे, उस तरीके से हमें रहना है। आप वो कर लीजिए, कम से कम आपके लिए इंशाल्लाह काफी हो जाएगा। नहीं, जो गुमराह होते हैं ना, वो गुमराह लोग जो है ना, वो शैतान करता है गुमराह। अब किसी को भी देखो भाई, अल्लाह के हुक्म को माने, अब आप हिंदू को भी पूछेंगे तो बोले, वो कभी भी नहीं बोलेगा दुनिया राम ने बनाई या कृष्ण, वो बोलेगा ईश्वर ने बनाई है। वो भी ईश्वर को मानता है, ईश्वर के इनकार कोई नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि ईश्वर की मानना, उसने जो बताया है उसके ऊपर हमें चलना है ना। शैतान जो है ना वो गुमराह करता है, चाहे इस्माइली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो। शैतान का एक ही काम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक जाने से रोके। सिंपल है, बराबर। अल्लाह तक जाने के लिए क्या है, अल्लाह के जाने के लिए जो है उसकी रस्सी है, वो है कुरान, क्योंकि वो उनके वर्ड से, वर्ड ऑफ अल्लाह। तो वो क्या है अकॉर्डिंग टू देयर, आप देख लीजिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं और अल्लाह क्या चाह रहा है, आपको समझ में आ जाएगा भाई। हाँ वो बात सही है, आपकी बात खत्म हो गई तो अभी मैं आपसे 5 मिनट की बात करूंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा सर जी। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है भाईजान? अली। अली अली भाई, मेरा मजहब मेरे को ये कहता है, देखिए 1500 साल पहले जो बात होती थी, लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, ठीक है जी। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, और आज कौन से बर्तन में खाना खा रहे हैं, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में, कौन मिट्टी के बर्तन में कौन खाना खाता है? खाता है? नहीं खाता है, ठीक है जी। अभी दूसरी बात, छोटा बच्चा होता है, जब जन्म से पैदा होता है माँ का दूध पीता है कि नहीं? तो बड़ा होता हो जाता है, बड़ा हो जाता है 20-22 साल का, तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है या खाना खिलाती है, ये बताइए। खाना खिलाती है। तो बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया? तो 1500 साल पहले अपना जो इस्लाम था वो छोटा था, ठीक है, तभी जरूरत नहीं थी जो चेंजेस करने की, तभी जल्लाद लोग रहते थे, बराबर। बुर्का क्यों पहनाया गया औरतों को? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पर्दा कराओ इन औरतों को। क्यों? क्योंकि जल्लाद थे, जल्लाद औरतों बहनों पर, बेटियों पर नजर डालते थे और उसको वो करते थे, समझ रहे हैं? इसलिए सबको पर्दा, आज क्या जरूरत है मेरे को बताओ, पर्दा करने की क्या जरूरत है? आज जितनी जरूरत है ना सर, उससे 5% जरूरत वो टाइम पे नहीं थी। आज तो कितनी जरूरत है, नहीं आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन पर्दे की जो बात आई, तो आज जितनी जरूरत है उससे 5% जरूरत वो टाइम पे नहीं थी। क्योंकि आज से, वो आप 1500 साल छोड़िए, आज से 200 साल पहले आपने नहीं सुना होगा कि 6 ईयर्स या तो 7 ईयर्स की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। उससे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज रेप के केसेस उससे कई 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 गुना बढ़ गए, तो वो टाइम से ज्यादा जरूरत आज है पर्दे की सर। ये मैं आपको बोल रहा था जी, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। और मेरे को ये लगता है कि आज के टाइम पे पर्दे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो ये बात छोड़िए, चलो मैंने बोला आपके एक बेटे की माँ की बात की, बेटा जब छोटा होता है तभी इस्लाम अपना छोटा था, तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख या तकरीबन 5 लाख मुसलमान बने होंगे, तभी एक ही फिरका था, एक ही थे, मुसलमान ही थे, कोई फिरकावादी नहीं था, ठीक है कि नहीं, बराबर है। तो उसी तरह जो आज का जो इस्लाम है वो बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को आप सर? आज का जो इस्लाम है बहुत बड़ा, इस्लाम में आज कितने होंगे, कम से कम 1200-1400 करोड़ होंगे, कितना होगा इस्लाम मुसलमान? 1000 करोड़, 2 अबज, ठीक है। तो इस्लाम तब से लेकर आज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं इस्लाम नहीं, मुस्लिम तो इस्लाम बड़ा हुआ तो उसके साथ जरूरत के मुताबिक, सुनिए सुनिए, इस्लाम नहीं बढ़ा, मुस्लिम की संख्या बढ़ी। या तो इस्लाम बड़ा हुआ कि नहीं, नहीं मुस्लिम नहीं, बड़े हुए तो इस्लाम भी बड़ा हुआ ना। समझ नहीं रहे मेरी बात, सुनिए सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे आप। अभी देखिए, अभी की ताजा मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात काटिए मत प्लीज। जी जी बोलिए। ये जो मोबाइल, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी? जी मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। स्मार्टफोन यूज करते थे, ठीक है। अभी आपकी बात आपकी भाषा में मैं समझाता हूँ। अभी आज से 10 12 14 साल पहले ये स्मार्टफोन थे? नहीं था, नॉर्मल फोन नहीं थे, नॉर्मल था। तभी आप क्या यूज कर रहे थे? वही नॉर्मल फोन यूज कर रहे थे। नॉर्मल फोन अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी स्मार्टफोन आ गया इसलिए। स्मार्टफोन, हाँ राइट 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 राइट। अभी मेरे मुद्दे पे आप सवाल पे जवाब पे आ गए, समझे आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा, बहुत बड़ी बात है ये, एक ही बात का मीनिंग आप समझ जाएंगे, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन यूज कर रहे क्योंकि, सुनिए सुनिए मेरी बात को, किया ना तब से मैं आपकी बात समझ गया। आप बोलना चाह रहे हैं ना, जब से आपने शुरू किया ना तब से मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इस्माइली रह चुका हूँ। इस्माइली बोल्ट और इस्माइली जो जो स्कॉलर्स की मेंटालिटी है ना, जो स्कॉलर्स की मेंटालिटी ना, मैं जानता हूँ। जब से आपने शुरू किया मैं नहीं, स्कॉलर्स की नहीं। अरे सर मेरी बात सुनिए भाई, सर सुनिए मेरी बात, मैं आपको अपनी अपने हिसाब से, आप हाँ बोलेंगे ये बात पे, आप हाँ बोलेंगे। और एक बात समझ गया कि भाई पहले के जमाने में ये था, अब इस्लाम को नई चीज की जरूरत। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कुरान देखिए, हमसे बेहतर हमारा परवरदिगार जिसने हमको पैदा किया ना वो जानता है तुम्हारी वो बात सही। तो यहाँ पे कुरान के अंदर, नहीं नहीं आप सुनिए, कुरान की आयत है ना जिसके अंदर अल्लाह ने फरमा दिया कि हे नबी जी, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। ठीक है, मुकम्मल कर देने का मतलब ये है कि अभी मजीद कोई चेंज की दीन के अंदर जरूरत नहीं है। और अल्लाह ने दुनिया को मुकम्मल किया नहीं कहा था? ठीक है, दुनिया के अंदर तो तरक्की होती रहेगी। अल्लाह ने कहा हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। और देखिए नबी सर, जब तक जब जब जरूरत थी, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर दुनिया में उतारे। अगर आगे भी जरूरत होती तो क्या आपको ये लगता था कि जो 1,24,000 बना सकते हैं तो 1,24,000 एक पैगंबर नहीं बना सकता? हो नहीं बना जरूरत होती तो डेफिनेटली नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। क्या बात कर, क्यों नहीं बना सकते मालूम है? तभी उन्होंने बोलिए बोल दिया था कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उसके बाद कोई नहीं होंगे। हाँ तो खत्म हो गई बात, बराबर वहां से ही खत्म हो गई। देखिए एक जो आप बात कर रहे हैं कि भाई नबी आखिरी नबी होगा, तो नबी का जो काम था वो था हिदायत देना। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि आखिरी नबी है, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं है, तो इमाम की क्या जरूरत है? अरे सर जी मेरी बात सुनिए, इमाम की जरूरत है वो बात बल्टा मत दीजिए। जो मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल के बारे में बोला, आप छोटा मोबाइल क्यों यूज नहीं करते ये बताइए, क्योंकि उसकी जरूरत है आपको। आप देखिए वो जो है ना, ये फीचर्स बढ़े, लेकिन आप जो इस्माइली जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो वही वही सर सर मेरी बात तो मेरी बात सुनिए, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, वही मैं समझा रहा हूँ कि अभी इस्लाम को फ्यूचर की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, दुनिया से आगे खंबे से खंबा मिला सके, बाजू में खड़े रह सके। ऐसा आज कोई नहीं, दाढ़ी वाला देख के तो सब टेररिस्ट बोल रहे हैं। क्यों भाई क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोलते, अभी क्यों बोलते? अभी जरूरत नहीं है भाई, अपने दुनिया के हिसाब से, दुनिया के अकॉर्डिंग के मुजब चलो ना। मेरा कहने का मतलब यही है सर जी। आपका कहने का मतलब दुनिया की हद तक है, हमारा कहना अल्लाह जो कह रहा है ना, वो कह रहा है आखिरत की हद तक। अल्लाह क्या कह रहा है मालूम है आपको? वो उसके नजर दुनिया की कोई कीमत ही नहीं है, ये दुनिया जीने के लिए है ही नहीं। हेलो, ठीक है मेरा सम, हेलो आप, आपका नेटवर्क चला गया था। हेलो तो आ गया, आवाज आ रही है? हाँ मैं यही कहने का मतलब, जो नहीं मेरी बात तो खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म होने दी, बाद में बोलिए ना। मैं आपने मेरे आपकी बात काटी नहीं काटी ना, तो फिर आप क्यों काट रहे हैं? ये 5 मिनट में तीसरी बार हुआ आपने मेरी बात काटी। जी बोलिए बोलिए। मेरे कहने का मतलब बड़े भाई, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी चीज में दुनिया में, ये जो मोबाइल लाने वाला कौन है? अल्लाह ही है ना, है कि नहीं? आप बोलो अल्लाह के बगैर, आप बोलो दुनिया में जो जो चीज आती है वो अल्लाह के बगैर नहीं आती है, है कि नहीं? आप बोलो, आप कबूल करो, है कि अंदर
नहीं सुनिए तो भाई, आप मुझे पूछ रहे हो फिर आप बोल रहे हो आप बात काट रहे हो। नहीं नहीं मेरा तो आप पूछेंगे तो मैं जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ तो बोलिए बोलिए, अब जवाब दो या फिनिश करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए ये जो है ना दुनिया की तरक्की की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह के नजदीक दुनिया की कीमत नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मोबाइल के अंदर फीचर्स बढ़े हैं, लेकिन अगर आप इस्माइलिज्म की बात करें तो इस्माइलिज्म में से इस्लाम कम हुआ है। इस्लाम कम हुआ जब इस्माइलिज्म की बात छोड़िए, मैंने इस्माइलिज्म की बात ही नहीं की सर जी। यहाँ पे मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ उसके जवाब दीजिए ना। अभी फ्यूचर बढ़े हैं तो जमाने के हिसाब से मोबाइल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तो अगर आप होना मांगता है। लेकिन भाई को एक मिसाल देती हूँ कि जब आंखों की बीमारी स्टार्ट हुई तो लोगों ने पहला एडवांसमेंट क्या किया, ग्लासेस बनवाए, स्पेक्स बनवाए। स्पेक्स के बाद क्या आया, लेंस आया। लेंस के बाद क्या आया, उन्होंने लेजर किया। लेजर के बाद अब पूरा का पूरा आई बॉल चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्टर्स ने कह दिया कि इससे ज़्यादा आँखों का अब और एडवांसमेंट इलाज नहीं हो सकता, दैट इज़ फाइनल, ठीक है। इसी तरह इस्लाम में पहले आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर, इब्राहिम का, नूह का, ईसा का अलैहिस्सलाम का, सब का आया। ये सब थी थोड़ी 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 एडवांसमेंट अल्लाह पाक तैयार कर रहे थे। जब इस्लाम आ गया तो अल्लाह ने कह दिया कि ए नबी अब ऐलान कर दो कि आज तुम्हारा दीन तुम्हारे पे मुकम्मल हो गया। अब एक चीज़ एडवांसमेंट के बिल्कुल एंड पे पहुंच गई, अब उसको मज़ीद एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन, अब आप मोबाइल फ़ोन की बात करें, कुछ अरसे के बाद आप टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपको मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ बैठे हो, आप ख़ुद को टेलीपोर्ट करके दूसरे एरिया में भी ख़ुद को शिफ्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ को साथ आप, क्योंकि उसमें एडवांसमेंट की गुंजाइश है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसको अल्लाह ने मोहर लगा दी कि अब ये कंप्लीट हो गया। ये पर मतलब कंप्लीट भी नहीं बोला अल्लाह ने, अल्लाह ने बोला ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट चीज़ को और परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इसके बाद मैं इसको और परफेक्ट नहीं करने वाला। मैं इसका क्रिएटर हूँ, मैं इसका साइंटिस्ट हूँ, मैं ही इसको बनाने वाला हूँ, और मैंने अब कह दिया कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद यही फाइनल है। तो आप उसको मोबाइल फोन से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं नहीं आपका कहने का मतलब अल्लाह बोलते हैं कि भाई ये जो मैंने दिन किया यही करने का, अल्लाह ने कहा बुरखा पहनो, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मगर नबी साहब को, नबी साहब ने फरमाया कि बुरखा पहनो, अल्लाह ने कहा, नबी साहब ने कहा, ठीक है। मगर कब, तब वो 1500 साल पहले जल्लाद थे, जल्लाद, अच्छा ठीक है, तभी कहा था। मगर जरूरत के समय के हिसाब से चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, मेरी बहन आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अब मैं आपको एक चीज पूछूंगी, मैं आपसे अब एक चीज पूछूंगी। आपके सुल्तान मोहम्मद शाह जल्लाद थे जिन्होंने अपनी मदर को, शम्सुल मुल्क को बुरखा पहनाया, वो भी हेड टू टो, उनकी आंखें तक नजर नहीं आती थी। लेडी अलीशा ऐसा बुरका पहनती थी कि वो बुड्ढी थी, 70 इयर्स की थी। 70 इयर्स ओल्ड औरत को बुरके की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि वो नहीं पहनेगी अगर वो ना चाहे, क्योंकि उसकी एज ऐसी हो गई। लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी माँ को बुरका पहनाया, तो क्या सुल्तान मोहम्मद शाह जल्लाद है आपके लिए, आपका इमाम, 48 इमाम? सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ एक इश्ना शरी थी, पहली बात ये। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को? सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ इश्नासरी थी, बराबर है। तो उनके अकायद के मुजब कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आपके अकायद के मुजब मत चलो। तो फिर एक चीज, वो इश्नासरी थी, फिर एक चीज, फिर एक चीज, आप सवाल करो, नहीं फिर आप अपने आप से सवाल करो कि जो माँ पैदा करती है उसे नहीं पता कि उसका बेटा अल्लाह का नूर है? जिस माँ ने पैदा किया, क्या उसको नहीं पता कि मेरा बेटा जो है वो मजहर अल्लाह है और इसके हाथ में जन्नत दोजख है? क्या उस जो माँ पैदा करती है, क्या उसे नहीं पता कि मेरा बेटा अली का नूर है और अली खुद है? अब वो जब खुद अपने बेटे को इमाम नहीं मानती, वो 12 इमाम पे रुक जाती है, वो अपने बेटे को इमाम ही नहीं मानती, तो उसकी माँ क्या गलत मजहब पे थी? या सुल्तान मोहम्मद शाह का नूर अपनी माँ को नज़र नहीं आया और आप लोगों को नज़र आ गया? इस्माइली को इमाम का नूर नज़र आता, लेकिन इमाम की अपनी माँ को अपने बेटे में नूर नज़र नहीं आया, तो क्या वो माँ जो है वो गुमराह है? मैं क्या बोला आपको, पहले ही जवाब दे दिया, वो इश्नासरी थी, बराबर, इश्नासरी में पहनते हैं, बराबर है।
तो उन्होंने जो पहना होगा कोई हिसाब से पहना होगा जो भी वट एवर, ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप इमाम पे मत आइए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, सवाल आपको हमने जवाब दे दिया। देखिए सुनिए मेरी बात एलिना जी, आप सुनिए मेरी बात, बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोद में होता है कि नहीं, आप बताइए। आप मिसाल देते हैं इंसानों की, आप बात को घुमाइए मत, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप समझ नहीं रहे, आप समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आप मिसाल दे रहे हो बच्चे की, इस्लाम बच्चा नहीं है मेरे भाई, इस्लाम बच्चा नहीं है, बच्चे नहीं है। मेरे कहने का मतलब मेरी बहन यही है, सुनिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आप बीच में मत, आप मेरी बात सिर्फ सुन लीजिए क्योंकि मेरे को अभी जॉब पे जाना है, थोड़ा काम है, ठीक है। आपके आपके जैसा मेरे पास टाइम है नहीं मेरी बहन, आप तो आप सबके पास टाइम होता है, पूरा दिन ग्रुप ज्वाइन करना। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि जिस माँ ने पैदा किया, जिस माँ ने पैदा किया उसे ही नहीं पता कि उसका बेटा जो है वो अली है, उसका बेटा इमाम है, उसकी माँ खुद 12वें इमाम पर रुक जाती है और उसका बेटा क्लेम करता है कि मैं 49th इमाम हूँ, मैं जन्नत और दोजख का मालिक हूँ, मैं पुलसरात बन जाऊँगा। तो वो माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है वही अपने बच्चे पर एतबार नहीं करती, उसके मज़हब को फॉलो नहीं करती, उसको इमाम नहीं मानती। लेकिन इतने सारे इस्माइली बेवकूफ़ों की तरह जो है वो ऐसे ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जिसको अपने घर के लोगों ने इमाम नहीं माना, जिसकी सगी माँ ने, माँ बेटा कत्ल भी करके आता ना तो वो माँ अपने बच्चे को गले से लगाती और कहती है मेरा बेटा बेकसूर है, वो उसको सपोर्ट करती है। लेकिन इस आगा खान की माँ ने ही अपने बेटे के मज़हब को फॉलो नहीं किया, उसको इमाम नहीं माना। तो जो माँ अपने बच्चे को इमाम नहीं मानती, आप इस्माइलियों में वो नूर कैसे नज़र आ गया जो पैदा करने वाली को नज़र नहीं आया। आपने ना नबी साहब ने फरमाया था कि किसी की बुराई करने से अपने सगे भाई के खाने के बरोबर गुनाह करता है, आप वही कर रही है। मैंने किसी की यहाँ तक इतनी बात की, बुराई नहीं की है, किसी की बुराई नहीं की। आपको सच अगर बुराई लगता है ना मेरे भाई तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। एलिना जी मेरी बहन, आप बुराई करने में नंबर वन हो, सब बुरे बुराई करने में आपको पूरा तो एकदम बोलते, आप जितना भी बोल दिया एक दो मिनट में आप बहुत काफी सारा कुछ बोल गए आप। मगर हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक आयत में कि अगर कोई किसी की बुराई करता है तो उसकी माँ बाप का उसके भाई के मैंने बुराई नहीं की मेरे भाई, मैंने आपकी आंखें खोली हैं, मैंने आपकी आंखें खोली हैं, क्यों खोली हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्यों खोली है, क्योंकि आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता, आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको बड़े अच्छे तरीके से अली भाई ने समझाया, अली भाई ने आपको हिस्ट्री तक बताई, आपको अली भाई ने बात की, आपसे आप क्यों बोल रहे हैं इमाम के बारे में, इसलिए अपनी बात हो रही थी ना, इमाम की क्या बात हो रही थी, इसलिए सुन लीजिए, इसलिए आप इस्लाम को बच्चा क्यों कह रहे थे, नहीं नहीं आप इस्लाम को बच्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने इमाम को साबित करना चाह रहे हैं और हमारे दिल को आपने तकलीफ दी है ये कह के इस्लाम जो है वो अभी बच्चा है। इस्लाम बच्चा नहीं है, इस्लाम कम्प्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है। आपने अभी जो मिसालें दे रहे अभी आप नहीं, पहले बच्चा था 1500 साल पहले, अभी इस्लाम काफी बड़ा कहां से लिया आपने ये बात, आपको किसने बोला कि इस्लाम 1500 साल पहले बच्चा था, ये कहां से सुना आपने, किसके मुंह से सुना? मैं खुद से कह रहा हूँ ना, आप स्कॉलर हो, अभी कितने आप स्कॉलर हो, आप इमाम हो, आप क्या हो, आप क्या हो, आप आपकी आपकी जो नॉलेज है, आपने कहा आपके हिसाब से 1500 साल पहले इस्लाम बच्चा है और आप कहते हो ये आपका खुद का कहा हुआ है, तो आपकी बात की क्या वैल्यू हो सकती है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपकी बात की क्या वैल्यू हो सकती है, मेरी बात की वैल्यू कुरान से है, आप कौन हो बोलने वाले, कुरान से मेरी वैल्यू है, कुरान से है, कुरान कहता है इस्लाम मुकम्मल हो गया, कुरान कहता है इस्लाम मुकम्मल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप कहते हो 1400 साल पहले कुरान बच्चा था, इस्लाम भी बच्चा था, वो बात आप मत बोलिए, मैंने कुरान के बारे में कुछ नहीं बोला, नाउज बिल्ला कुछ नहीं बोला, मैंने इस्लाम के बारे में इस्लाम बोला, कुरान से आता है, इस्लाम कुरान से आता है भाई, भाई इस्लाम कोई खुद आसमान से नहीं आया, से आते तो सभी इस्लाम, मेरे को भी मालूम है ना, मैं भी आ गया ना कुरान में, तो नहीं आप कुरान में नहीं आते हो ना, आप कुरान की तालीमात में नहीं आते। अल्लाह कहता है इस्लाम जो है वो कुरान में है, हदीस में है। अगर आप इस्लाम को बच्चा कहते हो तो इसका मतलब आप कुरान को भी बच्चा कह रहे हो, जो जिसकी तालीमात उस वक्त कम थी और आज इस्लाम की तालीमात आपके इमाम ने बढ़ा दी है। घुमा रही है आप एलिना जी, मेरी बहन आप बात को घुमा रही है, मैं जो मेरी